अगर एक एसिड विक्टिम हो तो उसको एहसास कभी मत होने दो, वो एक एसिड विक्टिम है, एक बदसूरत है। उसको ये चीज दिखाओ कि आप खूबसूरत है और आपको भी खूबसूरती से रहने का अधिकार है। खूबसूरती का मतलब आपके लिए क्या है? खूबसूरती का मतलब हमको पता ही नहीं है ना, क्योंकि सोसाइटी वाले हमको खूबसूरत समझते ही नहीं है। मेरा नाम दौलत भी खान है, मैं एक एसिड विक्टिम हूँ। 2010 में मुझ पे और मेरी दो बहन और छोटी वन ईयर की बेबी, मेरी बहन की बेटी पे यह एसिड अटैक हुआ था। मेरी जर्नी तब से शुरू हुई जब मैं 13 साल की एक बच्ची बोलते ना, तब मैं इतनी छोटी थी, तब से मेरी जर्नी शुरू हुई, तब मेरी शादी हुई थी और तब मैं एक एसिड विक्टिम भी नहीं थी। एक्चुअली मेरे साथ तो ये शुरुआत से ही मैंने स्ट्रगल किया है। मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, मेरे फादर का डेथ होने के बाद मेरी मम्मी के ऊपर जिम्मेदारी थी 5-5 बेटियों की। मैं आगे एडुकेशन नहीं कर पाऊँ, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाई थी। और मैंने शादी से बचने के लिए सबसे पहले टिक 20 खाया था और 15 दिन के बाद ही मेरी शादी करवा दी। शादी के बाद हस्बैंड बहुत ही हर चीज़ में मुझे दबा के रखना, अगर मैं उनके साथ ऊंची आवाज़ में भी बात कर लूँ तो इतनी बुरी तरह मुझे पीटते थे वो कि मैं बेहोशी हो जाती थी। फिर 3 बच्चे हुए मेरे, तो भी मेरे हस्बैंड तकलीफ ही देते थे। तभी मेरे मम्मी ने ये डिसीजन लिया तो ऐसा पति नहीं चाहिए। ठीक है, में मम्मी की मेरी डेथ हो गई, मेरा सबसे बड़ा सहारा चले गए। 2010 में मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो वापस से हमारी लाइफ में आई, तसल्ली देने की कोशिश की, आज मैं बड़ी बहन हूँ, तुम्हारी मम्मी के समान हूँ, ऐसे करके हमारे से वापस दोस्ती किया। मैं उनके घर पे बैठी हुई थी तो सडनली वो कुर्सी पे किसी ने एकदम प्रेशर से पैर मार दिया। मेरे जीजा भाग के आ रहे थे, वो समझ ही नहीं पाई, वो आके एकदम डायरेक्ट मेरे चेहरे पे कुछ लिक्विड फेंक दिया। ठंडा लगने के बाद अचानक एकदम जलन शुरू हो गई। तब मैं बोली ये धोखा किए, ये एसिड डाले नजमा ने धोखा किए, एक बाल ने धोखा करके, मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। फिर हमारे पूरे कपड़े तो बॉडी पे जल के चिपक गए थे। तो फिर हम बाबा हॉस्पिटल गए, वहाँ पे डॉक्टर ने फौरन हमको, आंखें पूरी एसिड में थी, हमारी सबकी आंखें एसिड में चली गई थी। उसके बाद में मुझे होश ही नहीं, मैं तो 2 दिन के बाद ही होश में आई। 2 दिन के बाद मेरी बेटी आई थी मुझसे मिलने के लिए, तो नहीं वो देख के इतनी बुरी तरह डर गई कि नहीं ये मेरी मम्मी हो ही नहीं सकती, मेरी माँ है ही नहीं, बल्कि भाग गई वो मेरी बच्ची। 1 महीना मेरे फेस पे पूरा पट्टी लगी हुई थी, इतनी बुरी कंडीशन थी फेस की मेरी। वहाँ से स्ट्रगल, हमारी जर्नी खत्म नहीं हुई, यहाँ पे मेरी जर्नी शुरू हो गई। क्योंकि हमारे पास जितना था घर बार हमने बेच के, हमारा ट्रीटमेंट 40 लाख रुपए जब गया 2010 में, फिर पैसे ही खत्म हो गए थे हमारे। बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं हुई, फिर मस्जिद के पास कपड़ा बांध के बैठती थी, कोई हेल्प करता, कोई पैसा देता, कोई खाना वो लाके अपने बच्चों को खिलाती थी। जिसकी वजह से ये जिंदगी मैंने जिया उसको मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। मैं एक दिन ऐसा खुशी का मौका आया कि उनको 10 साल की सजा सुनाया जज ने, तो वो एक जर्नी खत्म हुई। दूसरी जर्नी थी हमारा ट्रीटमेंट, एक एनजीओ HRN बोल के, फिर क्रांति सर, उन्होंने एसिड विक्टिम के लिए खड़ा किया। क्योंकि आप एक एसिड विक्टिम है, आपको वो दर्द पता होगा वो विक्टिम्स के लिए, तो आप बेटर से उनके लिए काम कर पाओगे। फिर विक्टिमों से मिलती थी, बहुत से विक्टिम मेरे सामने आने की कोशिश नहीं करते थे, इतना पूरा पैक कर लेते ये ग्लव, जैसे मैं पहले करती थी वो भी वही करते थे। तो मैं बोलती थी अगर आप जितना कवर करके फेस रहोगे ना, लोग उतना मजबूर कर देंगे तुमको कवर करने के लिए, खुल के आओ सामने, तुम जल गए लेकिन तुम्हारी ख्वाहिशात नहीं जली है, हम खूबसूरत है, दिखाओ सोसाइटी वाले को। विक्टिमोस के घर पे जाती तो उनकी सर्जरी हम करवा देते थे वो NGO के थ्रू, हम तो उनका ट्रीटमेंट कराते लेकिन खाएंगे पिएंगे ना, उनके पास ताकत कहाँ से आएंगी वो सर्जरी कराने के लिए। तो उन्होंने ये बोला देखो हम तो यही कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, अगर तुमको इसके अलावा कुछ काम करना है तो आप अपना NGO खोल लो। फिर मैंने उसी टाइम पे ठान लिया कि मैं ये NGO बना के ही रहूंगी और इसका नाम रखा एसिड सर्वाइवर साहस फाउंडेशन। हमारी साहस कभी मरी नहीं सकती, लोग हमको एसिड डालो या लोग हमको दबाने की कोशिश करो, इसीलिए हमने एसिड सर्वाइवर साहस फाउंडेशन इसका नाम दिया।
तो मैं बस यही लोगों से विनती करती हूँ कि प्लीज़ अगर एक एसिड विक्टिम हो तो उसको एहसास कभी मत होने दो, वो एक एसिड विक्टिम है, एक बदसूरत है, उसको ये चीज़ दिखाओ कि आप खूबसूरत है और आपको भी खूबसूरती से रहने का अधिकार है।